हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे धान की उन्नत खेती 2024-25 में। धान की खेती आपको किस प्रकार करना चाहिए, यदि इस समय आप खेती करते हैं तो कौन कौन सी बीमारी आ सकती हैं, कौन सी किस्में अच्छा उत्पादन दे सकती हैं, बीज उपचार कैसे करें, स्प्रे शेड्यूल पर आपको कौन सी दवाइयों का मिलाकर की स्प्रिंग शेड्यूल चलाना चाहिए, कौन सी बेस्ट खादें उत्पादन को बढ़ा सकती हैं, फटाप कैसे बढ़ाएं, कितनी दूरी पर हमको प्लांटेशन करना चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए, आमदनी कितनी होती है, कौन सी वैरायटी जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्में हैं और कितना उत्पादन आपको यह किस्में निकाल कर देने वाली हैं, नर्सरी के बारे में बात करेंगे और जो भी बीमारी आती ना उनका सही सटीक इलाज उपाय के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टाइमिंग यानी समय। तो जो समय है, जो टाइमिंग है धान की खेती करने के लिए, जून और जुलाई, यह दोनों महीना बेस्ट माने जाते हैं धान की बुआई करने के लिए यानी रोपण के लिए। लेकिन नर्सरी तैयार करने के लिए लगभग 25 से 28 दिन का समय तो आप मान लीजिए। तो आप जब भी प्लांटेशन कर रहे हैं तो कम से कम 25 दिन पहले, 30 दिन पहले खेत की अच्छी तैयारी करके नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। तो जो नर्सरी का जो समय है दोस्तों, वो 15 मई से लेकर के 25 जून के बीच में हर हालत में आपको नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए। और जो रोपण है 15 जून से लेकर के 20 जुलाई तक आप प्लांटेशन कर सकते हैं, यानी यह समय बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब जो वैरायटियां हैं जो ज़्यादा समय लेती हैं, उनको आप ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर आगे चल के धान के बाद वाली जो अगली फसल है फिर वो भी उसमें और ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो टाइम का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यदि बरसात नहीं हो रही है तो आप स्प्रिंकलर चला करके खेत की तैयारी करके नर्सरी तैयार कर लीजिए। अब नर्सरी कैसे तैयार की जाती है, वीडियो तो चैनल पर बन ही गई है लेकिन फिर भी हम आपको समझाने वाले हैं। तो इस हिसाब से टाइमिंग को आपको मैनेज करना है क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। खेत की तैयारी, अब खेत की जो आपको तैयारी करना है वो बढ़िया तरीके से करना है, यानी जो पराली है अच्छे से पलटाने वाले हल से, तोता हल कल्टीवेटर्स हैं, मिट्टी को अच्छे तरीके से प्लोविंग कराना है, चाहे कल्टीवेटर है फिर तोता हल से, कुछ इस प्रकार एक एकड़ में 5 से 6 मेड़ या फिर क्यारियों की आवश्यकता पड़ने वाली है, ताकि हम यदि पानी भर सकें तो फिर पार्ट टू पार्ट आराम से भर भी सकें और खाली भी कर सकें, और इस हिसाब से प्लांटेशन करने में भी आसानी होती है। तो क्यारी बनाकर ही हम मतलब धान की प्लांटेशन करने वाले हैं, और गोबर की खाद हम यूज कर सकते हैं जब खेत की तैयारी कर रहे हैं या फिर जब हम पडलिंग करेंगे, मचाई करेंगे, तो उस समय भी हम जो खादें हैं उनके साथ हम गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सूखे खेत पर गोबर की खाद बिखेर दीजिए ताकि फिर गीले या फिर जब खेत की मचाई हो रही है तो उस समय बिखेरने में समस्या आ सकती है। वैरायटियों की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जो किस्में हैं वो ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 20 से 30% यह जो टॉपिक है ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैरायटियों का आप गलत चुनाव करेंगे तो फिर पैदावार घटने वाली है, और यदि आपने वैरायटी अच्छी भी चुनाव करी है और उसकी प्रॉपर केयर नहीं करी तो भी पैदावार घटने वाली है। यानी बेस्ट वैरायटी और उसका बेस्ट सॉल्यूशन बेस्ट तरीके से ग्रो करते आना आपको चाहिए। तो भी कौन सी किस्म है, यदि हम हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो बायर कंपनी की अराइज 6444 गोल्ड को आप लगा सकते हैं, पुरानी है लेकिन आज भी अच्छा उत्पादन देती है। जेके सीड्स की 2609 को लगा सकते हैं, कावेरी की 468, श्रीराम की बायो सीड्स BH21 और VNR की 2121 वैरायटी को लगा सकते हैं। वहीं PR की बात करें, परमल धान की बात करें तो PR114, PR128, PR131, PR126 वैरायटी को लगा सकते हैं। और यदि आपके एरिया में बासमती को लगाया जाता है, पर बासमती पर आप इंटरेस्ट रखते हैं, बढ़िया आपकी सॉइल है और बढ़िया बरसात होती है, तो फिर पूषा बासमती जो धान है ना काफ़ी सुगंधित, टेस्टी, खाने में काफ़ी बेस्ट और एकदम वाइट, इन किस्मों को यानी पूषा बासमती वैरायटी को आप लगा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी सुगंधित वैरायटी हैं। PB1718 जो वैरायटी है ना बहुत ही लाजवाब वैरायटी, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है लेकिन एवरेज में उत्पादन बहुत अच्छा देती है। PB1692 है, पूषा बासमती 1847 है, PB7 वैरायटी को आप लगा सकती हैं। तो हाइब्रिड, परमल और बासमती धान की बात करी, अब
चार चार पाँच पाँच किस्मों के बारे में बात करी और सबकी सब बेस्ट वैरायटी, बाकी मार्केट में तो हजारों वैरायटी उपलब्ध हैं। प्रति एकड़ सीड्स, यदि आप एक एकड़ पर दोस्तों धान की खेती कर रहे हैं तो 6 किलोग्राम सीड्स आपको रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ने वाली है एक एकड़ के लिए। बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए। यदि आपके एरिया में आपकी सोयल पर कम फंगस का प्रकोप है तो CM75 यानी कार्बेंडाजिम और मैंकोजिम युक्त जो फंगिसाइड आती है इससे बीजों को उपचार कर सकते हैं, यानी 2 ग्राम की दर से उपचार कर सकते हैं। लेकिन यदि फंगस का प्रकोप ज़्यादा होता है तो फिर आपको एक काम करना होगा, झेलोरा के साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट मिलाकर बीजों को उपचारित करना पड़ेगा यदि फंगस का प्रकोप ज़्यादा है। बीज उपचार अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे तो जर्मिनेशन अच्छा होगा, अंकुरण परसेंटेज बढ़िया रहेगा, जड़ों में लगने वाले फंगस से प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा और जड़ संबंधित जो परेशान करते ना फंगस, एकदम सूखने की समस्या या फिर गलन की समस्या, फिर बढ़वार पौधा नहीं ले पाता है और फिर जर्मिनेटेड भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता है तो समस्या आती है। तो बीजों के चारों ओर एक प्रकार से सुरक्षा कवच बन जाता है यदि आप बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार करने के लिए आप तिरपाल में या फिर कोई भी बर्तन में बीजों को निकाल करके पानी के छींटे मार करके कुछ इस प्रकार आपको मतलब सीड्स ट्रीटमेंट करना चाहिए। चाहे वैरायटी लगा रहे हो, कोई भी वैरायटी लगा रहे हो, बीज उपचार आप घर में ही करें, यानी इसका फ़ायदा आपको प्रत्यक्ष रूप से मिलने वाला है। नर्सरी तैयार के ऊपर भी हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि कैसे हमको पौधशाला तैयार करनी पड़ेगी। तो 6 किलोग्राम सीड्स बीज की नर्सरी तैयार करने के लिए आपको 25x25 यानी लगभग 600 से 700 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता पड़ेगी और जगह का ऐसा चुनाव करें जब चाहें आप पानी को निकाल सकें और जब चाहें आप पानी को मतलब भर सकें। यानी आप थोड़ा जल्दी नर्सरी तैयार करते हैं तो यदि बरसात कम हो रही है तो पानी गर्म होने वाला है तो फिर हम समय समय पर निकाल भी सकें और जब अंकुरण होता ना गर्म पानी होगा तो फिर मतलब अंकुरित जो आपके सीड्स हैं वो एकदम सूखने वाले हैं। तो ऐसी जगह का चुनाव करें, ऊंची जगह का, जहां हम पानी भर भी सकें और खाली भी कर सकें। अब 25x25 लंबाई और 25 चौड़ाई जगह पर आपको क्यारी बना लेना है, 3-4 क्यारी या 5 क्यारी, और उस पर जो खाद इस्तेमाल करनी है, गोबर की खाद 200 किलोग्राम, DAP खाद 1 से 2 किलोग्राम, SSP 2 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 2 किलोग्राम, और दीमक की समस्या भी रहती है तो रिजेंट 100 ग्राम, माइक्रो न्यूट्रियन आपको लेना है 100 ग्राम। तो यह जो जगह है 25x25 यानी 600 से 700 स्क्वायर फीट जगह पर आपको इन सभी को प्रयोग करना है। और हाँ, इनको आप बुआई से पहले ये काम कर सकते हैं जिससे अंकुरण अच्छा हो जाए, यानी बीजों को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट की जो पुड़िया आती है ना इससे ठीक तरीके से एक आप ड्रम में पानी भर करके थोड़ा बहुत स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट भिंगो करके 24 घंटे के लिए यानी भिंगोइए और फिर निकाल कर सूती कपड़े में बांध करके 24 घंटे के लिए रख दीजिए, छोटे छोटे अंकुर निकल आएंगे कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। फिर उसके बाद बुआई करनी है। जब आप बुआई कर रहे हैं तो बुआई के बाद एक नई समस्या क्रिएट होगी खरपतवार की, यानी हो सकता है आपकी धान अंकुरित ना हो, उससे पहले अंकुरित हो जाए खरपतवार। तो इसके लिए शानदार कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, यानी जिस दिन आपने बुआई करी है उसके दूसरे दिन या फिर उसी दिन आप धान का क्रेज के नाम से आती है या फिर सिजेंटा कंपनी की रिफेट के नाम से आती है, यानी पेरेटिला क्लोर 50% EC जो हर्बिसाइड आती है ना दोस्तों, इसको आपको यूज़ करना है। किस प्रकार यूज करना है, यदि आप 20 किलोग्राम बीजों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए 20 किलोग्राम सीड्स की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो 25 ml या दोनों में से कोई एक हर्बिसाइड और 1 लीटर पानी में आपको घोल लेना है। फिर उसके साथ 5 किलोग्राम बालू रेत में मिला करके, यानी बालू रेत में ठीक तरीके से मिला करके छिड़काव कर दीजिए, यानी भुड़काव कर दीजिए पूरी नर्सरी पर, तो उगने वाले चौड़ी पत्ती सकड़ी पत्ती खरपतवार से कंट्रोल मिलने वाला है। लेकिन हमारी 15 दिन 16 दिन 12 दिन की नर्सरी हुई है और नर्सरी पर खरपतवार का मतलब अंकुरण देखने के लिए मिल रहा है, खरपतवार उगे हुए हैं, तो इसके लिए नॉमिनी गोल्ड आपको 15 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। नॉमिनी गोल्ड यानी बिस्पायरीबैक सोडियम का स्प्रे आपको कब करना चाहिए, जब खरपतवार 3-4 पत्ती की आपकी नर्सरी पर दिख रहे हों तो फिर बढ़िया आपको रिजल्ट मिलने वाला। खरपतवार यदि बहुत ज़्यादा अंकुरण रहता है, बहुत ज़्यादा जमाव रहता है, तो आपकी जो फसल है ना और जो नर्सरी है वो कहीं ना कहीं पीलापन की समस्या, कमज़ोर बढ़वार और जो पौधे ना वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर देखने के लिए मिलेंगे। तो इन बातों को ज़रूर फॉलो करें, बेसल डोज
यानी जब आप पडलिंग कराते हैं, मचाई कराते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, तो उस समय आपको जो खादों का प्रयोग करना है, गोबर की खाद 2 ट्रॉली 1 एकड़ में, SSP खाद 2 बैग, DAP खाद 40 किलोग्राम, MOP 25 किलो, रिजेंट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए खेत की तैयारी करते समय। यदि हम प्लांटेशन की बात करें तो पौधे से पौधे की जो आपको दूरी रखनी है, यदि आप इस डिस्टेंस से प्लांटेशन करते हैं तो जो पौधा है ना वो काफ़ी अच्छा फटाव लेने वाला है। लाइन से लाइन की दूरी 18 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी आपको 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। गहराई जो डेप्थ है 5 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर आपको प्लांटेशन करना चाहिए। लेकिन एक बात जो आपको हमेशा याद रखना है कि जिस दिन आप प्लांटेशन करना है उसके एक दिन पहले नर्सरी पर डेलीगेट या फिर कोई वेस्ट सोलेमन का एक स्प्रे ले लीजिए, क्योंकि प्लांटेशन करने के बाद 30-40 दिन तक आपकी जो फसल है ना वो काफ़ी प्रोटेक्ट रहने वाली है। तो एक कीटनाशक का स्प्रे और प्लांटेशन से पहले जो आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो उस समय जड़ों को आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट या फिर साफ या फिर स्ट्रेप्टो प्लस साफ को मतलब घोल बना लीजिए और फिर जड़ों को डुबो डुबो कर, पौधे को नहीं केवल जड़ों को डुबो डुबो कर प्लांटेशन करेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा हमको मिलने वाला, कोई खर्च नहीं रहता लेकिन इसके फायदे बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते। 50-100 रुपये का खर्च आएगा लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जड़ों को डुबो डुबो कर प्लांटेशन करें, केवल जड़ों को। खरपतवार की रोकथाम यानी वीट कंट्रोल, तो जो वीट कंट्रोल है, वीट कंट्रोल यानी खरपतवार की रोकथाम, तो पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड में 3 से 4 पत्ती के खरपतवार हों तब ऐसी कंडीशन पर आपको खरपतवार जो नाशक हैं वो बिसपायरीबैक सोडियम 10% WP आपको लेना है 150 ml और PI की लेगेसी आपको लेना 300 ml, 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए, इससे भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और एक रिजल्ट के लिए और भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, बिसपायरीबैक सोडियम 10% WP 120 ml लेना है, मेट सल्फ्यूरन मिथाइल 10% क्लोरम्यूरन इथाइल WP 8 ग्राम लेना है, और फिनोक्सा प्रॉप पी इथाइल 9.3% EC 50 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करेंगे। यह सेकंड वाला कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार भी खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपकी फसल में 3 पत्ती 4 पत्ती 5 पत्ती तक के खरपतवार देख रहे हो तब आप स्प्रे कर दीजिए। लेकिन हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, थोड़ा जूम कर लीजिए, इस प्रकार मजदूरों की मदद से खेत से खरपतवार को बाहर निकालिए। यदि मजदूर उपलब्ध हैं तो निराई गुड़ाई बेस्ट है, खरपतवार नाशक स्प्रे करने से परहेज करें। वैसी पैदावार घट रही है और जो भूमि है ना वो बंजर हो रही है, तो मजदूर एकदम बेस्ट ऑप्शन है। और यदि उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो ऐसी कंडीशन पर खरपतवार नाशक भी बता दी है। लेकिन ध्यान रखें, सूखे खेतों पर स्प्रे ना करें, सिंचाई कर ही स्प्रे करें, और यदि पानी भरा है तो फिर ठीक है। यदि हम बात करते हैं स्प्रेइंग शेड्यूल, जो कि धान की फसल पर आने वाली रोग बीमारी डिजीज़ इनकी रोकथाम करना भी जरूरी है, तो कौन सी समस्याएं आती हैं, BPH और GLH यानी ग्रीन लीफ हॉपर्स, जिसे हम फुदका बोलते हैं, भूरा पौधा का फुदका, यह काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। लीफ फोल्डर, यह समस्या आती है। इसके अलावा तना छेदक की समस्या आती है, यह जो बग देख रहे हैं यह बालियों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है दूध स्टेज पर। इसके अलावा और भी बीमारी हैं, जैसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, सीथ ब्लाइट है, ब्लास्ट, हल्दी रोग जिसे हम फाल्स स्मट कहते हैं, नेक ब्लास्ट है, यह समस्याएं आती हैं। और एक चीज़ और, कभी कभी हमको पता ही नहीं चलता कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का प्रकोप है या फिर किसी पोषक तत्व की कमी है या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण हो रहा है। तो डिफिशेंसी भी आती है, जैसे जिंक की कमी, नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटास, सल्फर की कमी, मैग्नीज की कमी, आयरन की कमी, बोरॉन की कमी। तो देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि बेसल के डोज में भी आपको खादों का प्रयोग करना है, और खड़ी फसलों में भी यदि सही खादों का और उपयुक्त खादों का आप प्रयोग करेंगे तो यह जो कमी आप देख रहे हैं ना पत्तियों में, यह कोई कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी, पैदावार काफ़ी अच्छी रहेगी। तो खादों का जो डोज है वो खाद शेड्यूल में बताएंगे। अभी बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। फर्स्ट स्प्रे 40 से 50 दिन की फसल होती है तो इंडोफिल की टोकन या फिर ओसिन दोनों में से कोई एक कीटनाशक 10 ग्राम, वायर की फोलिकोर फंगिसाइड 20 ml, वायर की जंप या फिर किसी भी कंपनी का जो फिप्रोनल है ना वो आप ले सकते हैं।
वो लगभग 3 से 4 ग्राम आपको लेना है। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें, स्टीकर मिलाकर ही छिड़काव करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 65 से 70 दिन की फसल और जो थर्ड स्प्रे है वो 90 से 95 दिन की फसल होती है। तो BASF कंपनी की एक्सपोनस 1.5 से 2 ml आपको प्रति पंप लेना है और इसके साथ प्रोपिकनोजोल 10 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको स्प्रेइंग शेड्यूल चलाना चाहिए। 3 स्प्रे पर आसानी से फसल तैयार हो जाती है क्योंकि अभी अभी सीड ब्लाइट है और जो समस्या आती ना उनके लिए स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ता है। पहले हम बिना स्प्रे पर या फिर 1 स्प्रे पर हमारा काम चल जाता था। हल्दी रोग के लिए प्रोपिकनोजोल आप प्रयोग कर सकते हैं। खाद शेड्यूल है फर्स्ट खाद, इससे देखिए फुटाव अच्छे आएंगे, पैदावार बढ़ेगी और बालियों में चमक, टेस्ट, स्वाद और साइज, शेप, कलर सब बढ़ने वाला है। तो फर्स्ट खाद 15 से 18 दिन की फसल होती है तो यूरिया 30 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम और किसी बेस्ट कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स आपको लेना है दोस्तों, लगभग 5 किलोग्राम और क्लोरपाइरीफास 500 ml से लेकर के 1 लीटर प्रयोग करें प्रति एकड़ की दर से। सेकंड खाद 30 से 35 दिन, थर्ड खाद 45 से 55 दिन की फसल होती है। और एक चीज़ और, 60 दिन बाद यूरिया खाद का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे 60-70 दिन बाद तो फिर जो फसल है ना उसमें गिरने की समस्या 100% आने वाली है। तो इसीलिए दोस्तों 50-55 दिन के पहले तक जो भी खादों का प्रयोग करना है उसी समय तक बहुत ज़्यादा आवश्यकता इन खादों की होती है, तो इनकी पूर्ति आप कर दीजिए। रोपण के 60 दिन बाद जब देखो फसल गिरने की कभी कभी समस्या आती ही आती है, तो इसके लिए फसल गिरने की जो समस्या है रोपण के 60 दिन बाद इस काम को जरूर करें। 50-60 दिन की फसल होती है तो लेहोसिन चमत्कार दोनों में से कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को आपको 20 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना है। एक PGR का स्प्रे 50-60 दिन में और दूसरा स्प्रे लगभग 75 से 80 दिन के आसपास की फसल होती है तब स्प्रे आपको करना चाहिए। और दो स्प्रे ले रहे हैं तो 15-15 ml का स्प्रे करें और केवल एक स्प्रे ले रहे हैं तो 60 दिन में 20 ml का स्प्रे आप लीजिए। समय अवधि की बात करें तो जो समय अवधि है वैरायटी की लाइफ साइकिल वो टाइमिंग पर वैरायटी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। कुछ वैरायटियाँ ज़्यादा टाइम लेती हैं तो कुछ हाइब्रिड वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती हैं। यदि हम बीज से बीज की बात करें तो 135 से 155 दिन का समय लगता है और पौधरोपण से काउंट करें तो 95 दिन से लेकर के 125 दिन के आसपास का समय लगता है, यानी वैरायटी का खेल है। जैसे कि पूसा बासमती को आप लगा रहे हैं तो बीज से बीज तैयार होने में 155 दिन का समय लगेगा, जबकि हाइब्रिड की जो किस्में हैं बीज से बीज तैयार होने में 130 से 135 दिन के आसपास का समय लगने वाला है। लागत की बात करें तो जो लागत है, जो खर्च है, यही तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1500 से 1800 रुपये का बीज आएगा और जो मचाई का, खेत की तैयारी का, बुआई का जो खर्च है 5000 रुपये, रोपण का जो खर्च है 4000 से 5000 रुपये, नर्सरी का जो खर्च है 1000 रुपये के आसपास, स्प्रे का खर्च है 3500 रुपये, खाद का खर्च 3000 रुपये, कटाई का खर्च 1500 रुपये, खरपतवार नाशक का खर्च 2000 रुपये और अदर स्प्रे आप चलाते हैं तो 500 रुपये और काउंट कर लीजिए। बेसल डोज का जो खर्च है 3000 रुपये, बीज उपचार का जो खर्च है 500 रुपये और जो भाड़ा है 1000 रुपये और अदर खर्चा 2000 रुपये। यदि हम इन सभी को काउंट करें दोस्तों तो लगभग 25000 रुपये के आसपास या फिर 25 से 30000 रुपये के आसपास, 25-26000 रुपये के आसपास हमारा एक एकड़ में खर्च लगने वाला है। उत्पादन की बात करते हैं दोस्तों, प्रोडक्शन की, तो एक एकड़ में यदि आप धान की खेती करते हैं तो एवरेज 28 से लेकर के 35 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार निकाल सकते हैं। भूमि, वैरायटी, देखभाल और न्यूट्रिशन, भौगोलिक स्थिति, मौसम, यह सभी फैक्टर के हिसाब से ही उत्पादन घट और बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को कमेंट ना करें कि उत्पादन कम निकला या फिर ज़्यादा निकला। सबसे बड़ी बात है कि बरसात, यदि बरसात अच्छी होती है तो धान की फसल अच्छे से तैयार हो जाती है और यदि पानी की कमी होती है तो फिर समस्या तो बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए पहले जो किसान धान की खेती करते हैं वो कहीं ना कहीं अब मक्के पर शिफ्ट हो चुके हैं। बाजार भाव यानी मार्केटिंग रेट तो 2000 रुपये, 2200 रुपये, तो रेट फ्लेक्सिबल रहते हैं। आपके एरिया में धान के क्या रेट चल रहे हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आमदनी की बात करते हैं दोस्तों, तो जो आमदनी है लागत को काटकर 35000 रुपये के आसपास आप एक एकड़ से कमाई कर सकते हैं, ज़्यादा कमाई नहीं है। लेकिन जो समस्याएँ आती हैं, जो वैरायटी हैं, जो भी हर एक एक्टिविटी है उसका हमने इस वीडियो के माध्यम से
मतलब संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण नॉलेज शेयर किया। यदि फिर भी कोई टॉपिक छूट गया हो तो कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं एक और इसी प्रकार एग्रीकल्चर और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।